17 मार्च 763 ईस्वी में पांचवे अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद की ईरान के तेहरान प्रांत में पैदाइश हुई थी। हारून अल रशीद ने इस्लाम के सुनहरे दौर के उरूज के दौरान 786 से 809 तक हुकूमत की थी। इनके दौरे हुकूमत में इस्लामी फन और मौसीकी ने दुनिया में एक अहम किरदार अदा किया था। हारून अल रशीद ने ही बगदाद में बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम की तामीर करवाई थी, जिसकी वजह से बगदाद इल्म, शफाकत और तिजारत का केंद्र बन गया था। ये वही हाउस ऑफ विजडम था जिसे हलाकू खान के हुक्म पर जलाकर राख कर दिया गया था।